माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से, जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। आज जो हमने सब टाइटल यहाँ स्टडी करना है उसका नाम है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। जी हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस, कुछ ऐसी कमोडिटी होती हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शनल केसेस या एक्सेप्शनल कमोडिटी उन्हें कहा जाता है। जी हाँ, वैसे हमें बता दूं आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है, अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर किसी एक वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी डिमांड चढ़ जाती है, ऐसा होता रहता है। इसके विपरीत वाइस वर्सा का मतलब है, अगर किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की डिमांड घट जाती है। एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी स्टार्ट डिक्रीजेस। ठीक है, तो मेरे बच्चों, ऐसी कुछ गुड्स भी होती हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, इन गुड्स को हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शंस एज वेल। लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और दीज आर सम कमोडिटी, ये वो कमोडिटी होती है जिन पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। आपको मैं बता दूं, लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा लॉ है जो जिसमें कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है। किस तरह से होता है लॉ ऑफ डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होने का मतलब है कि लेफ्ट से राइट होता है और स्लोप डाउनवर्ड होता है, इस तरह से होता है। इसका मतलब होता है अगर हम प्राइस को कम करेंगे तो ज्यादा कमोडिटी को सेल कर सकते हैं। 8 प्राइस है तो 4 कमोडिटी सेल हो रही है, 4 प्राइस होता है तो 8 कमोडिटी सेल हो जाती है। प्राइस को कम करने पर हम ज्यादा कमोडिटी सेल कर सकते हैं, अर्थात के प्राइस के गिरने पर ज्यादा कमोडिटी सेल होती है, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। परंतु कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जो एक्सेप्शनल केसेस कहलाती है, एक्सेप्शनल कमोडिटी कहलाती है जिन पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। हमारा ये लेक्चर उन चीजों के बारे में ही है। तो उसमें डिमांड कर्व कैसा बनता है, उसमें डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड ना होकर स्लोप अपवर्ड होता है, इस तरह से होता है। जी हाँ, उसमें डिमांड कर्व अपवर्ड होता है। ठीक है, और वो ये बताता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस घटी है, देखिए ये देख लीजिएगा, 8 रुपए कीमत है तो 8 वस्तुएं खरीद रहे हैं, 4 रुपए कीमत है तो 4 वस्तुएं खरीद रहे हैं। यहां लॉ ऑफ डिमांड लागू ही कहां हुआ, ये एक्सेप्शनल केसेस का अपवर्ड डिमांड कर्व है जो एक्सेप्शंस में लगता है। अर्थात प्राइस ज्यादा थी तो कमोडिटी भी ज्यादा खरीद रहे थे, प्राइस घट गई कमोडिटी की डिमांड भी घट गई। यहां तो कोई इनवर्स रिलेशनशिप आया ही नहीं, जबकि यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप था, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। प्राइस यहां पर घट रही है तो डिमांड घट रही है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, यहां तो ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप आया ही नहीं। चलिए मैं इन वस्तुओं के बारे में बता दूं जहां पर, जिन्हें हम एक्सेप्शनल केसेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। पहली है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब है दिखावे की वस्तुएं। आर्टिकल मतलब वस्तुएं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन दिखावे की वो वस्तुएं जो हमारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं प्रोफेसर वेबलन, उन्होंने कहा है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो सोशल डिस्टिंक्शन की होती हैं, समाज में दिखावे के लिए होती हैं। जैसे कि रिच पीपल हैं समाज के, वो अपनी प्रेस्टीज के लिए उन वस्तुओं को ज्यादा खरीदेंगे जिनके प्राइस हाई होते हैं, क्योंकि वो अपनी मान प्रतिष्ठा समाज में बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रतिष्ठा के उद्देश्य से वो उन वस्तुओं को खरीदेंगे और अपने महंगी वस्तुओं को ज्यादा खरीदेंगे, अर्थात महंगी होने पर उनकी ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि वो समाज में अपने को दूसरों से बिल्कुल ही अलग दिखाना चाहते हैं, दूसरों से बढ़कर दिखाना चाहते हैं। इसीलिए ये गुड्स जो होती हैं, ये जब इनकी प्राइस फॉल होती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन जब इनकी प्राइस ज्यादा होती है तो इनकी डिमांड ज्यादा की जाती है। ये प्रेस्टीज की वस्तुएं हैं, ये दिखावे की वस्तुएं हैं, मान सम्मान की वस्तुएं हैं, मान प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं, जैसे कीमती कालीन। अब अरब के देशों में रहने वाले नवाब कीमती कालीनों को ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, देखो मैं आपसे डिफरेंट हूं, डिस्टिंक्ट हूं, भिन्न हूं। तो जब मान प्रतिष्ठा के लिए, दिखावे के लिए वस्तु खरीदी जाती है तो उनमें जिन वस्तुओं की प्राइस ज्यादा होती है उनकी डिमांड भी ज्यादा की जाती है। कीमती कालीन, हीरे जवाहरात, इस तरह मैं आपको कहूं तो बहुत ऐसी चीजें जो रेयर हैं, रेयर पेंटिंग्स जो प्राइस ज्यादा होती है, अच्छी जिनकी बोली लगती है उन्हें, उनकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जिन वस्तुओं का प्राइस, इन वस्तुओं का अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड भी फॉल होती है, अतः यहां पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि वस्तु कम की कीमत कम हो तो ज्यादा खरीदा जाएगा, लेकिन यहां तो ज्यादा कीमत पर ज्यादा वस्तुएं खरीदी जाती है क्योंकि मान और प्रतिष्ठा का सवाल है। तो ऐसी वस्तुओं को आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कहा जाता है, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रीशियस डायमंड हो गए,
विंटेज कार्स होगी, जी हाँ बेशकीमती कारें होगी, बेशकीमती हीरे जवाहरात होगी, कीमती कालीन होंगे, इस तरह की चीजें जो मान प्रतिष्ठा के लिए खरीदी जाती हैं अमीर व्यक्तियों के द्वारा, ये कीमत ज्यादा होने पर ज्यादा खरीदी जाती है, इन्हें हम आर्टिकल डिस्टिंक्शन कहते हैं। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल लागू नहीं होता, इसलिए इन्हें एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में शामिल किया गया है। दूसरी बात, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जो क्वालिटी में घटिया होती हैं, जो क्वालिटी में बहुत घटिया वस्तुएं होती हैं ऐसी वस्तुओं को हम गिफन गुड्स कहते हैं। शोइंग ए वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ये बहुत नेगेटिव इनकम इफेक्ट को शो करती हैं। इसका मतलब है इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड घटेगी, इनकम घटेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर प्राइस के कंसर्न में कहूं तो इसमें प्राइस कंसर्न में अगर मैं बात करूं तो इन गुड्स की अगर कीमत गिरती है तो लोग इन्हें छोड़ देते हैं खरीदना। वैसे कीमत गिरने से इनकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहां अगर इन वस्तुओं की कीमत गिरती है तो लोग इनको खरीदना भी छोड़ देते हैं। जो इससे बेटर वस्तु है नॉर्मल गुड्स, गिफन को छोड़ देते हैं, इन्फीरियर को छोड़ देते हैं, हाईली इन्फीरियर है ये, इनको छोड़ देते हैं, जो इससे बढ़िया नॉर्मल वस्तु है ये उनको खरीदने लग जाते हैं। अर्थात इनकी प्राइस गिरने पर इनको छोड़ दिया जाता है, इनकी डिमांड घट जाती है, इनकी वजह नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। ऐसी वस्तुएं जहां पर प्राइस इफेक्ट इनवर्स ना होकर, नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव आ रहा है, देखो अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड भी फॉल होती है, प्राइस बढ़ता है तो लोग इनको ज्यादा खरीदने लगते हैं। तो ऐसे में यहाँ लॉ ऑफ डिमांड का पूरी तरह से क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, वो टूट रहा है, वो लागू नहीं हो रहा है। तो ये दूसरी प्रकार की एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड को, गिफन गुड्स जिन पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। तीसरी प्रकार की वस्तुएं, तीसरी है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को आप इरिटेशन जजमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसमें ऐसे एग्जाम्पल के रूप में भी आ जाता है। इग्नोरेंस का मतलब क्या है, आदमी कई बार ये समझता है अज्ञानतावश, इग्नोरेंस का मतलब मेरा अज्ञानता से है, अज्ञानतावश आदमी ये समझता है कि जो चीज जितनी महंगी है वो उतनी बढ़िया है, उतनी क्वालिटी उसमें ज्यादा है, परंतु ऐसा नहीं होता हर बार। जी हाँ, एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अगर मैं ये समझता हूं कि मैं किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करा रहा हूं, मैं बीमार हो जाता हूं, उसके बाद किसी बढ़िया डॉक्टर के पास बढ़िया फीस से भरकर इलाज कराता हूं और फिर भी ठीक नहीं होता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बड़े डॉक्टर मेरा बढ़िया इलाज करेगा लेकिन मैं ठीक नहीं होता, लेकिन किसी एक वैद्य के पास जाता हूं, वो मेरी बीमारी नब्ज देखकर बता देता है कि ये बीमारी है और कुछ ही खुराक से, एक दो खुराक के खाने से मैं ठीक हो जाता हूं, तो हर बार ये आदमी की अज्ञानता है कि वो ये सोचे, आदमी ये सोचे कि जो चीजें महंगी हैं वो चीजें ज्यादा क्वालिटी रखती हैं, तो ऐसा कई बार नहीं होता। जो महंगी कंपनियां होती हैं उनकी गुडविल के कारण, उनकी कॉस्ट के कारण, उसमें एडवर्टाइजमेंट के कारण उनकी प्राइस ज्यादा हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि उनकी प्राइस ज्यादा है तो उनके अंदर क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा हो। तो ऐसा होता है कई बार हम छोटी या कम कीमत वाली वस्तुओं के अंदर भी क्वालिटी हो सकती है, उसके अंदर भी वो गुण हो सकते हैं जो हमें सेटिस्फाई करते। तो प्यारे बच्चों, अज्ञानता में इंसान ये मान लेता है कि जिस किसी वस्तु के दाम ऊंचे हैं उसमें क्वालिटी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो ऐसे जगह पर ऊंची क्वालिटी के कारण ऊंची वस्तुएं ज्यादा वस्तुएं खरीदता है, मतलब वो ज्यादा दाम देकर ज्यादा वस्तुएं खरीदना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि ऊंचे दाम के अंदर ऊंची क्वालिटी मिलेगी, इसलिए ज्यादा डिमांड करता है। यहां भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ब्रेक हो जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं है अक्सर कि ऊंची दिखने वाली, हर कीमत में ऊंची दिखने वाली चीज में क्वालिटी उतनी हो जितनी छोटी में नहीं हो सकती, कम कीमत वाली में नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर ऊंचे प्राइस होने पर ऊंची क्वांटिटी की डिमांड करना, यहां इग्नोरेंस की वजह से, ये इग्नोरेंस की वजह से होता है और इग्नोरेंस में भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। तो मेरे बच्चों, एक्सेप्शनल केसेस थे लॉ ऑफ डिमांड के, ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।